हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस कोर्स। हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग एल्स इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ एल्स का सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि इफ स्टेटमेंट यदि फॉल्स होता है देन ऑटोमेटिकली एल्स का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एल्स ब्लॉक में आएगा। यदि इफ का कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट होगा इफ का ब्लॉक, एल्स में नहीं आ पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स लिखेंगे और उसके बाद एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझेंगे यहाँ। सो इफ कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, एल्स स्टेटमेंट थ्री। तो ये है सिंटेक्स फॉर इफ एल्स कंडीशन। तो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कंडीशन है इफ का, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इफ जो है इसका ब्लॉक ये है, मतलब तो इसमें दो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे यदि हम कर्ली ब्रेसेस नहीं देंगे इसका मतलब क्या था कि इफ का सिंपल जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ इफ, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस दी, इसका मतलब क्या है दोनों स्टेटमेंट इफ के इनसाइड में है और इफ का ब्लॉक है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधे कहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में आएगा और स्टेटमेंट थ्री को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, इंटीजर A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20। इफ हम लोग यहां पे कंडीशन ले रहे हैं A इक्वल टू B, प्रिंट इफ A एंड B आर इक्वल, एल्स A and B are not equal। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। सो कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें और इस पे आप सोचें कि आउटपुट क्या आना चाहिए। अब हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ एल्स इफ में होता क्या है कि इफ कंडीशन यदि ट्रू है then there is not a problem, if का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि वो फॉल्स है तो मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक होते हैं तो उसमें जो ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यदि वो फॉल्स है देन एक सेपरेट एल्स स्टेटमेंट होता है, दैट इज इन, पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट करेंगे फिर मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट आएगा एंड देन एल्स स्टेटमेंट आएगा। तो इसको हम लोग चलिए सिंटेक्स को लिखेंगे उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या, इफ एंड कंडीशन, यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन ये क्या होगा, एल्स इफ कंडीशन टू, इसका भी कुछ ब्लॉक होंगे, एल्स इफ कंडीशन थ्री, इसका भी कुछ ब्लॉक होगा। तो इस तरह से चलता जाता है एल्स इफ, मतलब ये और भी एल्स इफ आ सकता है इसमें, एल्स इफ कंडीशन एन और इसका ब्लॉक। यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन एल्स इफ को सर्च करेगा, यहां पे जो कंडीशन ट्रू होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा, बट यदि कोई भी कंडीशन एल्स इफ का ट्रू नहीं है देन फाइनली कहां पे आता है, एल्स पार्ट में आएगा। जैसा कि आपको हमने बताया था इफ एल्स में कि इफ एल्स में क्या होता है कि इफ कंडीशन यदि फॉल्स है देन ऑटोमेटिकली एल्स का ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो उसी तरीके से इफ एल्स इफ में क्या होता है, यदि इफ कंडीशन ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ का ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यदि इफ का कंडीशन फॉल्स है
तो उसमें सर्च क्या करेगा, इल्स इफ में कौन सा कंडीशन ट्रू है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यदि वहां पे भी ट्रू कंडीशन नहीं मिला देन फाइनली क्या आता है, एल्स पार्ट में आता है। मतलब इफ का कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ का कंडीशन जितना भी हो भी फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली कहां पे आएगा, एल्स पार्ट में आएगा। यहां पे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। सो हियर वी हैव वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सपोज दैट वी हैव टू इंटीजर ए, इनिशियलाइज किया गया टू से, एंड इंटीजर बी जिसको इनिशियलाइज किया गया थ्री से। तो यहां पर लोग देखेंगे इफ कंडीशन, इफ ए इक्वल टू बी, तो यहां पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट इफ ए एंड बी आर इक्वल, ये डिस्प्ले हुआ। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट हुआ। एक और एल्स इफ हम लोग ले, ए लेस देन बी, यहां पे एक और स्टेटमेंट हमने लिया प्रिंट इफ ए इज लेस देन बी एंड एल्स, ये प्रिंट हुआ। वी कांट से अबाउट ए एंड बी। तो चलिए हमें यहां पे क्या लिया, दो इंटीजर लिया है, ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री। तो इफ कंडीशन है कि यदि ए इक्वल होगा बी का तो क्या प्रिंट होगा, ए एंड बी आर इक्वल। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्या कंडीशन ये ट्रू है क्या, यदि कंडीशन ट्रू है तो यहां इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी जितना भी स्टेटमेंट है उसको छोड़ देगा। लेकिन यहां पे क्या है, कंडीशन ट्रू नहीं है, ए और बी इक्वल है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है टू, बी का वैल्यू क्या है थ्री, तो ए एंड बी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, ये नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन को सर्च करेगा। तो नेक्स्ट एल्स इफ में क्या है, ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं, क्योंकि टू इज नॉट ग्रेटर देन थ्री। तो ए भी क्या है, ए कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। जैसे ये फॉल्स हुआ उसी तरह से ए फॉल्स हुआ, ए फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन को चेक करेगा। और यहां पे भी देखा कि ए लेस देन बी है क्या, यस, क्योंकि ए का वैल्यू टू है एंड बी का वैल्यू थ्री है, तो ये ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ तो क्या हुआ, ये प्रिंट करेगा ए इज लेस देन बी। सपोज दैट ये ट्रू नहीं होता, ये जब ट्रू नहीं होता तो क्या होता, ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता। लेकिन यहां पे ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और सीधे बाहर आएगा। तो ये तरीका है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।